हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम अमृता आ गए अरहर को पीटने के लिए। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है खेत से काट कर और उसके बाद जो है ढोकर लेकर आए थे, और उसको दोस्तों तुरंत जो है नहीं पीटा जाता है। पहले तो इसे अच्छे से जो है 2 दिन सुखाया जाता है, और जब ये सूख जाता है तब जो है पीटा जाता है। तो आज सुबह में मम्मी इसे जो है चेक कर रही थी कि अरहर जो है अच्छे से झर जा रहा है या नहीं झर जा रहा है। तो फिर देखी झर जा रहा है, तो फिर बोली कि चलो और तुम लोग जो है पीट लो, क्योंकि दोस्तों अब जो है गेहूँ का भी काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी बोली जितना जल्दी ये काम भी निपट जाएगा तो सही रहेगा। तो बस हम आ जाते पीटने के लिए। पहले तो अमृता और प्रीति जो है पीटी थी और वह सब जो है थक गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई पीटने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये अरहर जो है बहुत ही बड़ा बड़ा है, तो एक ही साथ जो है सारे लोग नहीं पीट पाएंगे, बारी बारी से ही पीटेंगे। तो दोस्तों लगभग हमारा अरहर पीटा गया, 4 से 5 भुजा और भी पीटना है, तो उसे भी हम जो है फटाफट पीट लेते हैं। इसको पीटने में जो है ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है जिसे जितना जो है काटने में और ढोने में लगता है, हालत ही हो जाती है ख़राब। तो देख सकते हैं इसमें जो है डंठल अलग हो गया और इसका छिम्मी जो है अलग हो गया है, और मम्मी जो है इसमें से देख रही हैं कि कौन सा मोटा डंठल है और कौन सा पतला है। जो मोटा वाला रहता है दोस्तों उसका जो है झाड़ू में यूज करते हैं। घर तो इसे झाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा रहता है, इससे जो है द्वार ही झाड़ा जाता है। जो लोग गांव से होंगे उन्हें तो पता ही होगा। और दोस्तों इससे जो है झाड़ने में बहुत ही आसानी से झाड़ू भी लग जाता है, और ज़्यादा जो है झुकना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों के कमर में दर्द रहता है। छोटे वाले झाड़ू से लगाते हैं तो उससे जो है कमर में भी दर्द होने लगता है, लेकिन इससे जो है आप खड़े खड़े आराम से झाड़ू लगा सकते हैं। दोस्तों फिरते फिरते जो है थकान हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे दीदी और प्रीति भी आ गई पीटने के लिए। बोली अब तुम रहने दो, अब ज़्यादा नहीं पीटना है, 2 बोझा और भी पीटना है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इधर मम्मी जो है देख रही हैं, अलग अलग कर रही हैं, फिर उसे जो है बांधेंगी और फिर जो है इसे छत पर लेकर जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को पता है इस बार हमारे घर अरहर जो है 3 से 4 साल बाद बोया गया है, क्योंकि एक बार मम्मी बोई थी तो बारिश हो गया था जिसकी वजह से पानी पूरा गल गया था और सूख गया था, तो नहीं हो पाया था। और इसके पहले दोस्तों पानी की भी सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, तो इसलिए नहीं पहले हम लोग बोते थे, लेकिन इस बार जो है मम्मी नहीं मानी, कह रही थी नहीं इस बार हम बोएंगे। और हम लोग जो है मना कर रहे थे, रहने दीजिए ये हमेशा बोया जाता है लेकिन जो है होता ही नहीं है, लेकिन मम्मी हम लोग की नहीं मानी, अपनी की। और सच में दोस्तों अरहर जो है बहुत ही अच्छा हुआ, और इस बार जितने भी लोग बोए हैं सबका जो है बहुत ही अच्छे से हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होता है तभी जो है नुकसान होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं 1.5 से 2 घंटे लगे और हमारा सारा अरहर पिटा गया, और उसके बाद मम्मी जो है बोझा बना दी है, तो हम लोग जो है बारी बारी से छत पर लेकर जा रहे हैं। पहले तो दीदी जो है 3 बोझा लेकर रख दी थी, और उसके बाद मैं सो गई थी बीच में, तो फिर बोली कि जाओ रख दो, ज़्यादा नहीं बस 2 से 3 बोझा है, तो मैं भी रखने के लिए चली जाती हूँ। और दोस्तों सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाता है, क्योंकि 2 तल्ले पर लेकर जाना है और साथ में बोझा भी लेकर जाना है, और ऊपर से दोस्तों जो है धूप भी लग रही है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, देख सकते हैं। लेकर जाते जाते जो है प्यास भी लगी और थकान भी हो गया है, और उसके बाद मम्मी यहाँ पे जो है छाटने लग जाती हैं, जो अरहर है उसे अलग कर रही हैं और जो पत्ती वाला अरहर है उसे अलग कर रही हैं। तो देख सकते हैं जो छोटे छोटे दाने निकले हुए अरहर के, उसे मम्मी एक डोरी में रख ली, और जो पत्ती वाली और जिसमें छिम्मी है उसे साइड में रख दी है। अभी दोस्तों इसे भी जो है मम्मी अलग करेंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है सारा एक जगह रख देते हैं। तो बस बोली कि झाड़ू लगा दो चारों ओर से, तो बस वही दोस्तों मैं लगाना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों एक काम तो खत्म हुआ, तब तक मम्मी दूसरा काम शुरू कर दी। लगातार मम्मी जो है काम वाम लगी हुई, हम लोग तो बीच में रेस्ट भी कर ले रहे थे, लेकिन मम्मी नहीं कह रही थी आज ये काम खत्म हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि अब गेहूं भी कटाना है। सारे लोग जो है अपने गेहूं की कटाई बहुत ही पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो बस मम्मी सोच रही जितना जल्दी घर के काम निपट जाएंगे उतना जल्दी हम उस काम को भी कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मम्मी ओसा रही जो छिम्मी वाले हैं, तो उसे जो है पत्ती जो है अलग हो
जा रहा है और छिम्मी जो है वहीं पे गिर जा रहा है क्योंकि वह वजन है। और ये पत्ती दोस्तों हम लोग जो है फेंकते नहीं, इसका भी यूज होता है क्योंकि ये पत्ती सुदन जो है गैया हमारी खा जाती हैं। आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ही मन से वह सब खा रही हैं। और इधर मम्मी के हाथों में दर्द रहा है तो फिर मम्मी बोली कि तुम जो है वो साथ, और मुझे तो आता भी नहीं है लेकिन जैसे जैसे मम्मी कहती हैं वैसे वैसे हम कर लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमें ये काम आ रहा है और वो काम नहीं आ रहा है। जो भी काम दोस्तों नहीं आता है देखते देखते है जो है उस काम को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा वाला जो छिम्मी है यहीं पे गिर जा रहा है और जो उसका जो है पत्ती है वो अलग हो जा रहा है। और इसको भी मम्मी जो है पहले छत पे सुखाएंगी और उसके बाद पीट कर इसमें से अरहर अलग करेंगी। तो दोस्तों काम करते करते जो है 2 से 3 बज गया है और उसके बाद सबको लग गई है जोरों से भूख। खाना हमारा ख़त्म हो गया है, बस चावल ही बचा हुआ था तो किसी का मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो फिर मम्मी बोली कि रस घोल दो, रस जो है ठंडा रहता है और गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बोली कि रस ही क्या, उसके साथ कुछ तीखा हो जाए। तो घर पर पापड़ था तो उसी को दोस्तों मैं छान दी हूँ और यहाँ पर हम सारे लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं खाने के लिए। फिर हम लोग खा पी लिए थे और उसके बाद मम्मी और बाबू और साथ में दीदी तीनों लोग जो है खेत चले जाते हैं। खेत जो है कोई जाने वाला नहीं था लेकिन दोस्तों कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है जिसकी वजह से जाना पड़ता है। और इधर देख सकते हैं सारे लोग जो है अपने गेहूं की कटाई भी कर लिए लेकिन अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। और मम्मी जो है खेतों में जो है अपने सब्जियों को देखने के लिए आई है, जो हमने सब्जियाँ बोया था। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोया गया है, थोड़ा बहुत जो भी बोया गया है तो उसी को देखने के लिए आई है कि कहीं जानवर उनवर तो नहीं ना है खेतों में। और साथ में दोस्तों लौकी का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं इसको पहले जानवर खा गए थे लेकिन मम्मी जब से जो है गोबर का छिड़काव कर रही तब से जो है वह सब नहीं छू रहे हैं। तो गोबर जो है सूख गया था तो फिर से मम्मी घोर कर लेकर आती हैं, बोल रही थी चलो आज छिड़क देते हैं वरना ऐसे ही रहेगा तो रात में जानवर आएगा फिर जो है खा जाएगा हमारा लौकी। और ये अगले दिन जो है सुबह का क्लिप है तो इस टाइम बज रहे 9, हमारा खाना पीना बन चुका है और उसके बाद दीदी आ जाती हैं सीधा झाड़ू लगाने के लिए। आज तो अमृता प्रीति दोनों लोग जो है स्कूल चली गई हैं वरना अमृता घर पे रहती है तो ये सारा काम जो है वह पहले ही कर लेती है जिस टाइम मैं खाना बनाती रहती हूँ, लेकिन है नहीं तो करना ही पड़ेगा। और शाम से दोस्तों हम लोग को जो है खेत भी जाना है गेहूँ की कटाई करने के लिए, तो इसलिए दीदी बोली कि घर के जितने भी काम है उसे चलो हम लोग निपटा लेते हैं और उसके बाद जैसे ही सब आएंगे वैसे ही हम लोग खेत चले जाएंगे। और इधर दोस्तों देख सकते हैं मैं टेबल और स्टूल जो है धोकर रखी हूँ क्योंकि चौकी के नीचे था और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी था तो उसे धोकर बाहर रखी हूँ ताकि सूख जाए, लेकिन मेरा बाबू जो है उसे सूखने नहीं दे रहा है, झाड़ू जो है उस पर लगा रहा है। मैं बोल रही हूँ गंदा हो जाएगा लेकिन अपने आगे किसी का जल्दी सुनता ही नहीं है। फिर मम्मी बुलाती है तब जाकर वहाँ से हटता है। और इधर जो है मम्मी सरसों को लेकर आ गई है फटकारने के लिए, जो सरसों हमने पिछले ब्लॉग में पीटा था छत पर, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग हमारे वीडियो में डेली रहते हैं और कुछ लोग नए होंगे तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, तो वह लोग भी हमारे वीडियो पे आए और डेली वीडियो देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे जो लोग भी नए हों और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। झाड़ू उड़ू लग गया था और उसके बाद दीदी आ जाते हैं कुछ कपड़े लेकर खींचने के लिए। इसमें से दोस्तों पापा के कपड़े और कुछ बाबू के, और बाबू के आप लोग जानते हैं दिन भर में 2 से 3 सेट गंदा होता है तो उसका घर चालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह कपड़े ले लिए। और साथ में हमारा बेडशीट था तो वह भी काफ़ी गंदा हो गया था तो बोली चलो साथ में उसे भी धुल देते हैं। तो बस धुलने के बाद दीदी सीधे नहा लेंगी और उसके बाद पूजा करने के बाद खाना खाएंगी। सुबह से वह भी कामों में लगी हुई थी।
और इधर मुझे देख सकते हैं, सुबह सुबह लग गई हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे जो है फाइल पूरा करना है। अब तो अगले हफ्ते से मेरा पेपर भी स्टार्ट हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। मेरा घर पे जो है गेहूँ की कटाई शुरू और ऊपर से जो है सर पे एग्ज़ाम आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है सब ठीक कर देंगे। और इधर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है सरसों लेकर बैठी हैं फटकारने के लिए। इसको भी जो है फटकारने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पत्ती उत्ती भी रहती है इसके डंठल, और ऊपर से जो है धूल मिट्टी भी रहते हैं, तो सबको जो है छाटना बहुत ही मेहनत लगता है। पहले तो मम्मी इसे फटकार रही और उसके बाद जो है इसे छोटे छोटे दाने को जो है पता ना कैसे आक रही, ये सारे काम हम नहीं कर पाते। जो भी ये ऐसे काम रहते हैं वो सारा मम्मी ही करती हैं, तो देख सकते हैं कैसे कैसे मम्मी कर रही हैं। पूरा आधे टब था तो पूरा जो है निकाल चुकी है, और उतना पीछे देख सकते हैं रेड वाले टब में पूरा सरसों हमारा हुआ है। और इन दिनों में घर पे इतने सारे काम हो गए हैं कि सबकी हालत ही हो जा रहे हैं ख़राब। तो देख सकते हैं दोस्तों फाइनली आज हमारा जो है दो काम खत्म हुआ है, ये सरसों का और साथ में जो है अरहर का। और हमें खुशी भी हुई कि कम से कम ये सारा काम हमारा निपट गया, बस खेतों का काम ही रह जाएगा। और यहाँ मम्मी जो है आखिर सॉरी दोस्तों पचोरी रही थी, तब तक अमृता भी आ गई और प्रीति भी आ गई, और प्रीति जो है थोड़ा सा ही खाना खाई और उसके बाद तुरंत लग गई अपने कामों में क्योंकि इसका डेली का काम रहता है बर्तन धुलना। और अमृता का तो काम हो गया था आप लोगों ने देखा झाड़ू उड़ू का, तो उसके बाद जो है वह आ जाती है गोबर उठाने के लिए क्योंकि प्रीति का ये भी काम रहता है। तो दोनों लोग जो है मिलजुल कर ही सारे काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों छोटा काम रहे या बड़ा काम रहे सारे जो है मिलकर ही करते हैं। और उसके बाद मैं भी तुरंत नहा ली थी, तो प्रीति मुझे देखी बोली बर्तन रख दो, तो मैं बर्तन अंदर रखने के लिए चली जाती हूँ। और इधर देख सकते हैं अमृता जो है गोबर उठा रही है, गैया को जो है चारा पानी डाल गया है तो वह सब अपना खा रही हैं। और वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।